ये जैसे ये तो वॉल आपने डिजाइन किया राइट, कस्टमाइज किया, बढ़िया पार्ट मुझे जो लगा वो ये है किचन। अभी अगर ये ऐसा घर लेना हो तो कितने में मिलेगा? सो यू डोंट हैव टू बाय एक्स्ट्रा इंसुलेशन, यू कैन जस्ट ओके। अलेक्सा गुड नाइट। ओह दैट्स नाइस। कितना सारा ये किसने किया, आपने या वाइफ? मैंने किया। सो दोस्तों स्वागत है आज के व्लॉग में, और आज आपको एक नई जगह दिखाई दे रही होगी। देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है, न्यू कासल करके जगह है, और यहाँ आप देख सकते हैं घर। जो भी मैंने आपको अभी तक होम टूर के वीडियो दिखाए हैं वो अपार्टमेंट या जो मैं स्टूडियो में पहले रहता था उसके रिगार्डिंग था, लेकिन आज जो है आज मैं आपको प्रॉपर आयरिश हाउस, जो इंडिया में बोलते हैं ना बंगलो टाइप, वैसे प्रॉपर आयरिश हाउस का टूर दूंगा। तो ये जो घर है ये शंकर करके एक शख्स हैं, उनका है, और हमने रिसेंटली बात की थी इंस्टाग्राम में। तो ऐसी बात करते करते मैंने उनसे पूछा कि क्या मैं आपके घर का जो है होम टूर वीडियो बना सकता हूँ, तो उन्होंने हाँ बोला। तो मौका देखते ही मैं आ गया, और अभी हम उनके घर पे जाएंगे। ये है शंकर। हेलो शंकर, हाउ आर यू? ऑल गुड। दोस्तों अभी ये जो व्लॉग है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि अगर आप आइलैंड में नया घर ले रहे हैं, या अगर आप प्लान कर रहे हैं रिनोवेशन का या कुछ भी फ्लोरिंग का, ये जो वीडियो है ये आप पूरा एंड तक देखिए। We'll have some coffee and we'll just start after okay, that. Okay, thank you, thank you. Oh, yeah, so thanks for the coffee. Yeah. तो दोस्तों अभी चाय आई पी ली है, और अभी शुरुआत करते हैं जिसका आपको इंतज़ार था, होम टूर का। तो सबसे पहले आ गए हैं लिविंग रूम में। लिविंग रूम देखिए, थोड़ा बहुत ही अच्छे से डिज़ाइन किया, टीवी सामने, और इधर प्लांट्स भी हैं। ये जैसे ये तो वॉल आपने डिज़ाइन किया राइट, कस्टमाइज किया, तो ये फ्लोरिंग भी मेरे को गर्म लग रहा है, मतलब उतना ठंडा नहीं लग रहा है, तो इसका क्या रीज़न है? ये आपने किया या ये कोई कॉन्ट्रैक्टर? या आई डिड द फ्लोरिंग माई सेल्फ, पूरा इंस्टॉल भी मैंने किया है। ओके। डीआईवाई किया है, और क्या है कि ये एलवीटी फ्लोरिंग है, ये लैमिनेट नहीं है, ये टाइल्स नहीं है, ये एलवीटी है। एलवीटी क्या है कि एक मेड अप मटेरियल है। तो दोस्तों शंकर का ये कहना कि अगर आप आइलैंड में घर ले रहे हैं ना, तो कोई भी घरों में फ्लोरिंग जो होती है ना वो नॉर्मल कंक्रीट रहता है, आपको ऐसे फ्लोरिंग नहीं मिलती। इसके लिए आपको अलग से कॉन्ट्रैक्टर से कॉन्टैक्ट करके फ्लोरिंग बिछानी होती है, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसमें। अब डिटेल्स मुझे पता नहीं क्योंकि मैंने घर नहीं लिया है, लेकिन अगर फ्यूचर में घर लूँगा तो फिर जो है मुझे भी ऐसे फ्लोरिंग करानी पड़ सकती है। तो अगर आपको ऐसी फ्लोरिंग करानी हो तो ऐसे क्विक स्टेप ब्रांड है ना, तो जो ऐसे बहुत सारे ब्रांड होंगे उसमें से क्विक स्टेप एक बहुत अच्छा ब्रांड है, जो कि नॉर्मली आयरलैंड में यूज होता है, और इसके 4-5 कॉन्ट्रैक्टर है, तो शंकर भी उनमें से ही कोई एक है, और 3-4 कॉन्ट्रैक्टर है डब्ल्यू में, इसमें एक नहीं है। और ये एक चीज ये है कि ये थोड़ा वही जो ब्रांड है वही क्वालिटी का, थोड़ा आपको डिस्काउंट दे सकते हैं उस पे। तो बाकी मतलब जो अगर आप नॉर्मल कॉन्ट्रैक्टर से ये फ्लोरिंग कराओगे वही चीज शंकर आपको 5-10% कम में करा के दे सकते हैं। तो जो पूरी डिटेल्स है वो आगे हम लोग वीडियो के दौरान देंगे, उनका ही बिजनेस भी है, और तो फिर वो सब आगे आपको बताएंगे। और अभी और घर देखते हैं आगे कैसा है। आप whenever you are saying like switch on the TV, then this closes off. Now it's the TV is already on and all the lights will be turned off like that. Okay, understood. So I'll just turn on the lights now. तो ये वॉशरूम आप देख सकते हैं एंट्रेंस पे ही, अगर कोई गेस्ट आ रहे हैं नीचे बैठे हैं तो ये वॉशरूम यूज कर सकते हैं उसके लिए। बढ़िया पार्ट मुझे जो लगा वो ये है किचन, जो कि बहुत ही जबरदस्त है, आप देख सकते हैं। और किचन में भी ऐसा ही मिलता है या आपको भी कुछ काम करना होता है? किचन पूरा मिलेगा, इट्स अप टू द बिल्डर एक्चुअली, पूरा मिलेगा। इधर डबलिन में पूरा ऐसा ही बिल्डर देता है किचन, मुझे लगता है मिलेगी। इसमें भी थोड़ा कॉन्ट्रैक्टर्स है, वो है कि कबोर्ड देता है, लेकिन ओवन कुछ
ओके एंड डिड यू मॉडिफाई एनीथिंग इन किचन और इट वाज लाइक लाइट्स इज बहुत अच्छा लग रहा है तो देखिए दोस्तों आपको किचन कैसे लगा आप कमेंट कर सकते हैं और लाइट्स तो बड़ी शानदार है ये लाइट्स I changed the switches over here. Okay. So these all are smart switches. Okay. So what's the difference it makes is like when you turn off the light, like aapne phone se control karne like if you want to control it through the phone, so if the switch is turned off, then you cannot able to control it because there is no electricity. So okay. rather than changing the lights, I changed all the switches. So what that makes is like so these are smart switches. Smart switches. So when I'm going to the bed, I'll just say good night and all the lights will be off. Okay. I don't have to, can you show it? Like Alexa, good night. Okay. Oh, that's nice. अभी अगर ये ऐसा घर लेना हो तो कितने में मिलेगा अभी इधर पहला मैंने खरीदा 450 के लिए अभी तो दरार थोड़ा फेस आता है इसमें क्या है कि 520 ऐसा ही बोलता है इंडर्स के लिए 510 525 ऐसा ही बोलता है ऊपर नीचे जो है दोनों घर है ऊपर नीचे जॉइंट है इधर स्टेयर्स है स्टेयर्स से आप ऊपर जा सकते हैं तो ऊपर मेनली बेडरूम रहेंगे तो ये रहा बेडरूम इज इट मास्टर बेडरूम थोड़ा बड़ा है कंपेयर टू नॉट सेइंग इट्स द बिगेस्ट वन नहीं लेकिन है ऐसे लेंथ में बड़ा है तो इधर अच्छा व्यू था देखिए अभी क्या है कि एक और बिल्डिंग आता है उधर तो हमारा व्यू ये लॉस्ट व्यू भी बहुत शानदार है इधर सामने वो छोटा सा पहाड़ है लेकिन अभी घर आ गया तो उतना दिख नहीं रहा होगा राइट ये ओके तो ये मास्टर बेडरूम है तो इधर ही एक और वॉशरूम है और बाहर एक कॉमन इधर वॉशरूम है जो आपको दिख रहा है तो ये दूसरा बेडरूम है और बहुत ही छोटा सा So this is usually designed for office home. No, actually ये third bedroom है. Okay. तो हम लोग जो दोनों है इसलिए तो she uses it as the office space. She work from home completely like. आप कमेंट कर सकते हैं कि होम टूर में सबसे बेस्ट पार्ट कौन सा था देखिए इधर घर का लॉन पर्सनल गार्डन टाइप है और इधर आप देख सकते हैं सोफा लगे हुए हैं आराम से आप बैठ सकते हैं और बेस्ट पार्ट क्या है मालूम है मुझे तो ठंड नहीं लग रही वैसे आप आइलैंड में बाहर आओगे घर के बाहर ठंड लगने लगती है तो मैं ये एक चीज़ शंकर से पूछूंगा कि क्या इधर का राज है जो ठंड नहीं लग रही है नहीं ये पूरा हमने मैंने ही किया है एक्चुअली ये एक और इसका नाम है वरांदा यूनिट वरांदा जस्ट लाइक हम लोग इंडिया में बोलते हैं वरांदा इसलिए हमको वरांदा फ्रंट में है इधर हमें लाइक इधर होम के लिए कुछ भी काम हम फ्रंट में कर नहीं सकता क्योंकि वो पूरा एस्टेट का मॉडल एस्टेट का look will be different right okay so they change the look so they will not allow anything any work on planning lena padta hai iske liye planning nahi karna padega ye kyunki dikh nahi raha hai bahar se iske liye nahi isliye to kya hai ki isme pura hame like aisa brick aisa structure nahi hai na okay ye kya hai ki glass ka structure hai na iske liye planning permission nahi chahiye glass ka structure ke liye planning permission nahi chahiye but lekin kya hai ki aapko thoda और ग्रीन स्पेस चाहिए क्या है कि एक हाउस के लिए 25 मीटर स्क्वायर चाहिए ग्रीन स्पेस ऐसा ग्रीन स्पेस चाहिए बस ओके ओके इट्स बीन अराउंड लाइक 3 और 4 मंथ्स नाउ आई जस्ट बिल्ड दिस वन यूनिट दिस इज अ वेरांडा यूनिट क्या है कि इसमें क्या यूज किया है कि पॉलीकार्बोनेट शीट यूज किया है पूरा हार्डन 10 mm हार्डन ग्लास यूज किया है स्लाइडिंग के लिए इधर मैं वो बोल रहा हूँ इधर फ्लोर भी ठंडा नहीं लग रहा है मैं चल रहा हूँ तो बाहर कि क्या है कि पॉलीकार्बोनेट शीट है थोड़ा भी सन है तो इसका अंदर वार्मनेस रहेगा ओके लेकिन फ्लोर कैसे ठंडा नहीं है ए फ्लोर ए कॉम्पोजिट डेकिंग है इसलिए तो फ्लोर थोड़ा ठंडा है बस आई मीन लाइक नॉट ठंडा नहीं है लाइक वार्म है थोड़ा तो दोस्तों अगर आपको ऐसा वरांडा यूनिट बनाना हो तो आप शंकर को कांटेक्ट कर सकते हैं बहुत ही प्यारा लगा मुझे और एक और चीज मेरे को अभी याद आया जब मैं आपके घर पे चल रहा था तभी भी मुझे ठंडा नहीं लग रहा था
ठीक है, जो फ्लोर था वार्म थे, मेरे घर में अपार्टमेंट में ठंडा रहता है तो कभी कभी मुझे चप्पल घर में जो होते हैं वो यूज करने पड़ते हैं। तो यार क्या डिफरेंस है? क्या कि इधर पहला इधर फ्लोरिंग टाइल्स नहीं है, टाइल्स नहीं है, तो मेरा अंडर फ्लोर हीटिंग ऐसा कुछ नहीं है मेरा हाउस में। मेरे इधर जाने लेने टाइम मेरे भी आई डोंट हैव एनी आईडिया व्हाट इज लैमिनेट व्हाट इज एलवीटी ऐसा कुछ भी नहीं पता था। पहला प्रॉब्लम ऐसा, दो तीन वीडियोस यूट्यूब में देखा और मैं एक शॉप में गया, उस टाइम रादर देन हमको हेल्प करने के बाद वो ही वाज जस्ट इट वाज वेरी ओवरवेलमिंग और व्हाट यू से इट्स वेरी हार्ड टू like they will not explain to us properly what it is, how it can be useful and what's the difference in that and what's the difference in the other things. They will not explain it properly to us. I didn't get that proper support. So then I went to the when came to my home and I started to researching about it and that's how I ended up with this product actually. So pehla ek customer aata to main pehla kya karta hu, I will try to give him the advice what it is, what where you can research about it, you can find it out if it's good for okay you so you mean to say suppose main for example main agar naya ghar le raha hu आयरलैंड में, तो फिर मुझे तो कुछ आइडिया नहीं होता। मेरा इंप्रेशन ये था कि मैं पैसे दूंगा पूरा घर मिल जाएगा, वैसा तो है नहीं ग्राउंड रियलिटी। तो फ्लोरिंग अलग से करना पड़ेगा, कुछ चीजें होंगी वो अलग से करना पड़ेगा। तो यू विल जस्ट कंसल्ट हेल्प हिम व्हाट विल बी द बेस्ट ऑप्शन फॉर हिम। ओके दिख गया, ऐसा ही होगा एक प्लान ऐसा बड़ा होगा, उसका अंदर एक अंडरले भी होगा। सॉरी ये इंसुलेशन मटेरियल है क्या? इंसुलेशन मटेरियल उसका अंदर ही होगा। ओके तो दोस्तों अभी देखो आप पीछे इंसुलेशन मटेरियल लगा है इसलिए आपको ठंड नहीं लग रही थी, मुझे लगता है ये एक रीजन। इंसुलेशन मटेरियल भी है, सो यू डोंट हैव टू बाय एक्स्ट्रा इंसुलेशन, नो यू कैन जस्ट अंदर भी होगा। ओके तो इफ यू आर लॉकिंग इट हाउ इट्स लॉकिंग इज सो तो ये जो शंकर आपको बता रहे हैं ये जो DIY है, मतलब ये आप भी घर पे कर सकते हैं। और इसको कुछ चिपकाना भी होता है क्या फ्लोर पे? नहीं नहीं, बस ऐसे ही रख दो, बस ऐसे ही तो निकलेगा? नहीं निकलता नहीं है। ओके तो ये तो जॉइंट टू ऑफ देम यू कैन सी हाउ इट्स लुक्स, इट्स वेरी इजी एज वेल, नॉट दैट मच डिफिकल्ट। इट माइट बी डिफिकल्ट व्हेन यू आर डूइंग विद फॉर अ होल हाउस, या लिटिल बिट बट इट्स नॉट एन, सो इवन अ इंडिविजुअल कैन डू इट। Yeah, it's a DIY product, you can do it, but we can, if you want, if you don't like to do like that, then we have the installers also, so that's fine. But what I'm trying to show you is like, if you join the plants, you can see the gap or anything is zero actually. No, so, yeah. that makes a huge difference when you are cleaning the house, that's it. Yeah. Each one have a model number over here, see AVSTU40136, so if you just sell, if you Google that one, you will get that model number. If you go into the Kickstarter website, then there is a room viewer. It exactly shows how it's going to look completely. So each plant will have some pattern. So that pattern is different, is what you say, repeated in all the plants. So you have to understand. So it's going to repeat. So how it's going to look, I don't like to have too much of pattern in my house. It should be subtle. So similar, like everyone loves their own preference. But then there may be some people what's the issue, like they're selecting a small thing after seeing a small sample and everything. They're selecting something, but finally it's not looking like that. But that kind of issue will not happen with the Kickstop. You are selecting it after how it's going to look, everything you can able to clearly visible, then only you are buying it. Okay. तो बेस्ट चीज ये कि ये DIY भी कर सकते हैं, मतलब अगर आपको पैसे बचाने हो कॉन्ट्रैक्टर के तो आप खुद भी कर सकते हैं। खुद भी कर सकता है, क्या है कि पूरा इसका YouTube में वीडियो है क्विकस्टेप का, बिकॉज इट्स एन MNC प्रोडक्ट, इट हैज ऑल द वीडियोस हाउ ईच कंपोनेंट कैन बी इंस्टॉल्ड एंड हाउ इट शुड बी, तो पैसे बच जाएंगे, पैसा बच जाएंगे मेरा तो हमें, इसलिए तो आपने खुद ही किया ना पूरा मैंने खुद ही किया, सो इसलिए तो या। तो दोस्तों आयरलैंड में मेनली क्या है मालूम है, अगर आप वर्कफोर्स यूज कर रहे हैं तो पैसे बहुत जाते हैं, 14-15 यूरो और ऐसे फ्लोरिंग के लिए तो ज्यादा जाएंगे ना पर आवर, या लेबर लेबर चार्ज लाइक 20 तो यूरो होगा, 20 होगा इसमें एलवीटी के लिए कुछ है,
Like if you're going with the tiles, it is 40 euro. 40 euro per labor per hour, right? Yeah. Some people will take 2 weeks. Some people will take 2-3 hafta, 3 days or. 2-3 hafta per ghanta 40 euro ek jan ko de rahe hai. 2-3 jan honge. ठीक है, तो आपका पूरा पैसा जो है बहुत ज़्यादा पैसा जाएगा उसमें, लेकिन ये DIY है, इसमें आप खुद भी कर सकते हैं, और अगर आपको हेल्प चाहिए तो शंकर बोल रहे जैसे 1-2 दिन में वो भी फिनिश कर सकते हैं पूरा काम, तो आपका पैसा जो है बहुत बच जाएगा अगर आप नया घर ले रहे हैं और फ्लोरिंग कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं फ्लोरिंग जो अंदर वो आप शंकर ने जो दिखाया उन्होंने ही पूरे घर में ही फ्लोरिंग की है, और वही फ्लोरिंग है देखिए, बिल्कुल भी गैप्स नहीं है, चलने में भी ऐसा कोई गैप्स नहीं दिखाई दे रहे, तो ये फ्लोरिंग जो हमने बाहर टाइल्स दिखाई वो आप कर सकते हैं, तो शंकर को आप कांटेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उनका नंबर भी दिया है, तो आप उधर भी आप जो है उनको फ़ोन कर सकते हैं डायरेक्टली। तो ये देख सकते हैं इधर गार्डन भी है, टमाटो है क्या है कि टमाटो होगा, हमने 3-4 स्मॉल सॉफ्ट लिया है बट लेकिन बहुत फ्लरिश हो गया यार, बहुत सही पूरा टमाटो हो गया आपको तो फिर टमाटो का खर्चा बच गया थोड़ा थोड़ा टमाटो का भी बिजनेस करने जा रहा है बिजनेस बहुत हो गया और इधर सब्जियां वैसे लग जाती है, फार्मर्स लिया था लेकिन बहुत बड़ा आ गया टमाटर, तो इधर सब्जियां लग जाती है, या आई लाइक वी हैड बीटरूट हां लास्ट टाइम एंड वी टुक ऑल द बीटरूट इज जस्ट यू हैव टू रिमूव द प्लांट सो बीटरूट इज डन सो व्हाट वी हैव द ब्लूबेरीज हियर सी वी हैव स्मॉल ब्लूबेरीज यस एंड वी हैव गूसबेरी इज देयर गूसबेरी इज द या एंड व्हाट एल्स वी हैव कितना सारा ये किसने किया आपने या वाइफ मैंने किया मेरा वाइफ ने किया सो लाइक आई एम हेल्पिंग ऑल हर ऑल द थिंग्स लेबर में है लेकिन सही है बढ़िया तो दोस्तों ये देख सकते हैं ये है टिपिकल जो आयरलैंड में ऐसे घर होते हैं ना हाउस तो वहाँ आपको ऐसा लॉन भी मिलता है और ग्रीन एरिया ऐसा आपको इतना रखना पड़ता है कोई भी घर में शंकर ने जैसे बताया सामने वरांडा आप देख सकते हैं यहाँ से कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ना तो अगर मेरा घर हो तो मैं भी यही चाहूँगा कि ऐसा वरांडा हो तभी मैं आपको ज़रूर कांटेक्ट करूँगा और फ्लोरिंग बहुत ज़बरदस्त थी तो अगर आप आयरलैंड में घर खरीद रहे हो तो आपको फ्लोरिंग करनी होगी और रिनोवेट करना होगा तो उसके लिए जो है शंकर आपको हेल्प कर सकते हैं तो अगर आप ऐसे ही कंटेंट और देखना हो इंडियंस के रिगार्डिंग अलग अलग चीज़ें मैं अगर बताऊं तो आप कमेंट कर सकते हैं तो मिलेंगे अगले व्लॉग में एक और नए कंटेंट के साथ तब तक के लिए गुड बाय